नमस्कार साथियों, मैं राजू यादव, जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। और आज हमारी टीम आई है मोहल्ला कौन सा, ब्रज कॉलोनी में। और आप यहां पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से गली में बहुत ज़्यादा भराव है। यहां पर जो रास्तागीर हैं उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देख पा रहे हैं किस तरह से हमारे भाई पानी से जो है अंदर घुस के आना पड़ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटर कॉलेज है, इसका नाम भी है, ये चित्रगुप्त इंटर कॉलेज है मैनपुरी का। तो इस ब्रज कॉलोनी की जो समस्याएं हैं वो आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी की टीम आज ब्रज कॉलोनी में आई हुई है और कहीं ना कहीं लोगों के मुद्दों को उठा रही है बड़ी तेजी के साथ। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज। नमस्कार साथियों, मैं राजू यादव हूं, जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी जनपद मैनपुरी। आज हम आए हैं ब्रज कॉलोनी मैनपुरी में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज कहीं ना कहीं हम आपको जनपद मैनपुरी के जो इंटर कॉलेज हैं, जो यहां की शिक्षा व्यवस्था है, वहां पर बच्चे किस तरह से स्कूल जा रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी बारिश हुई है, यहाँ पे जल भराव है। ये सड़कें बयां कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सभी के साथ झूठा वादा कर रही है, सबका साथ सबका विकास के नाम पर ढकोसला कर रही है। हमारे साथ हैं जिला महासचिव माननीय महजवी दीदी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस मुद्दे पर? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आज की मौजूदा सरकार है वो किस तरह से देख रही है अपनी जनता को, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ गंदा पानी है और यहाँ पर एक इंटर कॉलेज है, वहाँ बच्चे किस तरह से निकल के जाते होंगे, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से व्यवधान है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। किस तरह से ये छोटे छोटे मासूम बच्चे या यहाँ के रहने वाले जो नागरिक हैं, किस तरह से ये पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। और ये मौजूदा हालात नगर पालिका उत्तर प्रदेश और हमारी सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि जिस तरह से बच्चे विद्यार्थी हैं, अगर यहाँ पानी इसी तरह भरता है तो ये पानी कब तक निकल पाएगा, और एक हफ्ते तक अगर बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं तो बच्चों की शिक्षा में कितना नुकसान होगा, ये सरकार को देखना पड़ेगा। और सरकार जितने झूठे वादे करती है उन सब पे अब वो खरी नहीं उतर पाई है, उसने हर चीज़ में झूठा वादा किया है हर बात में। देखिए हमारी एक महिला माता जी आ रही है, वो भी गंदे पानी में पैर रखती हुई आ रही है, किस तरह से बीमारियों से कैसे जूझ पाएंगे ये लोग। आज अगर पानी में घुसने से कोई कीड़ा किसी को काट जाता है, सांप बिच्छू काट जाता है, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, तो कैसे निवारण होगा। सरकार को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी आज इसीलिए मैदान में उतर के आई है कि जो भाजपा सरकार अपनी झूठी झूठी नीतियों को फैलाकर झूठे झूठे लोगों से वायदे करके उनसे अपना वोट समर्थन ले लेती है, लेकिन बाद में देती क्या है, ये जल भराव, गंदी शिक्षा नीति, गंदी चिकित्सा व्यवस्था, रोजगार है नहीं, आज महंगाई चरम सीमा पे जा चुकी है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि ये जल भराव को रोका जाए, बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था की जाए। ये देखिए माता जी किस तरह से अपनी चप्पल हाथ में पकड़ के और गंदे पानी में चल के आ रही हैं, ये बहुत निंदनीय है। नगर पालिका को शर्म आनी चाहिए, देखना चाहिए जो यहाँ का मेंबर है कि किस तरह से यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार स्कूल है, ऐसी व्यवस्था। मैडम रुकिए एक मिनट, आप आइए। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम, यहाँ पे पानी भरा हुआ है? हाँ यहाँ पे पानी भरा है, बहुत दिक्कत हो रही है, जबकि सरकारी स्कूल है, बच्चे भी दिक्कत उठा रहे हैं, हम लोग भी दिक्कत उठा रहे हैं, इसके मतलब कार्य भी सुनवाई की जाए, कुछ ऐसा किया जाए ताकि रास्ता सूखा हो सके। यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग हैं, क्या इन्होंने कभी एप्लीकेशन नहीं दिया है यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को इसके बारे में? पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है। हाँ ये बच्चा कुछ जानता है क्या बेटा, क्या बताना चाहेंगे? कुछ नहीं पता है आपको? किसने एप्लीकेशन दिया है? किसने दिया था? प्रिंसिपल जी ने। किसको दिया है? सरकार को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चित्रगुप्त इंटर कॉलेज है और यहाँ की आप जो है व्यवस्था देख सकते हैं।
डेंगू से रोका जाता है, संचय रोगों से रोका जाता है, कूलर में पानी ना भरने पर रोका जाता है। अगर मार्ग में इतना पानी भरा होगा तो लोगों की जीवन व्यवस्था का क्या हाल होगा, आप देख सकते कितनी दयनीय। नमस्कार साथियों, मैं राजू यादव, जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। आज हम आए हैं ब्रज कॉलोनी मैनपुरी में, जो कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के जस्ट सामने है। यहाँ पर एक बहुत ही माना हुआ कॉलेज है जिसका नाम है चित्रगुप्त इंटर कॉलेज, और ये हमारे साथी हैं, इसी मोहल्ले के हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गंदगी है। मौजूदा सरकार पूरी तरह से बहरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से जो है कूड़े में चली गई है। यहाँ के जितने भी इंटर कॉलेज हैं सब पानी से डूब चुके हैं। यहाँ के लोग कुछ दिनों के बाद जब लार्वा का इन्फेक्शन फैलेगा तो यहाँ पे डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियाँ आएंगी। यहाँ के लोग दुखी हैं। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ, मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आप जो झूठी बकवास करते हैं सबका साथ सबका विकास, ये ढपोसला आप बंद कर दीजिए और लोगों के मुद्दे पर काम करिए। लोग महंगाई की, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। अभी हमारे एक बड़े भाई गैस सिलेंडर लेके जा रहे हैं। भैया कितने का गैस सिलेंडर आता है? कहाँ है भैया वो? 1100 रुपये का गैस सिलेंडर है। एक इंसान, एक गरीब आदमी किस तरह से अपने बच्चों का पेट पालेगा यदि उसके पास रोजगार नहीं है, तो वो कैसे अपने बच्चों के लिए भोजन सुनिश्चित करेगा। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ, इस महंगाई को कम करिए, लोगों के लिए काम करिए, विकास पर काम करिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहती हूँ, इस तरह से महंगाई की मार आज माननीय योगी और मोदी सरकार ने कर रखी है, उसको कम किया जाए और जनता के हित के बारे में सोचा जाए। जिस तरह से यहाँ जल भराव है और शिक्षा नीति है, और उसको उचित व्यवस्था में लाया जाए। बस यही मांग है आम जनता की, गरीब जनता की, कि उसको इस महंगाई की मार से दूर कर दिया जाए। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी अपने झूठे वादों को छोड़कर अगर वो वास्तव में जनता का हित चाहते हैं तो वो जनता के बारे में सोचना शुरू कर दे, कभी जनता के बीच में आकर देखना शुरू कर दे। दूर से बातें करना और दूर के ढोल सुहाने होते हैं वो तो हम सब ने देख लिए। अगर आगे आपको अपनी जनता का साथ चाहिए तो उनके साथ वास्तव में विकास करना होगा आपको, बातों से विकास नहीं होता है। बस यही निवेदन है कि यहाँ की जो गंदगी साफ हो जाए और बच्चों की शिक्षा नीति अच्छी हो जाए। बस एक बार हमारे इन साथियों से भी बात कर लीजिए, ये कहीं ना कहीं मैनपुरी के ही रहने वाले हैं, किस तरह से यहाँ पर ये दुखी हैं, किस तरह से ये परेशान हैं। दादा क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये जो पानी भरा हुआ है इसके बारे में आपको? बहुत परेशानी है ना। अच्छा, तो यहाँ पर ये पानी कभी नहीं निकलता क्या? कितने समय से समस्या आ रही है? 2-3 साल से यहाँ पानी भरा हुआ है। बारिश हो फिर भी पानी भरा रहता है, ना हो फिर भी भरा रहता है। नगरपालिका के अंतर्गत आता है, देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में ये नगर पालिका क्षेत्र है, और ये कहीं ना कहीं सामने जो आपको कॉलेज दिखाई दे रहा है, इंटर कॉलेज की बाउंड्री है, ये चित्रगुप्त इंटर कॉलेज है, और यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर कैसे बच्चे अपनी शिक्षा सुनिश्चित करेंगे? मैं माननीय योगी जी से कहना चाहता हूँ कि यदि आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो आप सरकार से इस्तीफा दे दीजिए। आम आदमी पार्टी सरकार बहुत अच्छे से चलाना जानती है। हम लोगों ने दिल्ली में फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल और लोगों को एक अच्छी व्यवस्था दी है। साथियों आज हम लोग आए हैं ब्रज कॉलोनी में, और ये ब्रज कॉलोनी जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के सामने है, मैनपुरी में है, जनपद मैनपुरी है ये। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारे साथी लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, इस मोहल्ले के रहने वाले जो साथी हैं, कहीं ना कहीं इस जल भराव से परेशान हैं। यहाँ पर जल भराव ने यहाँ की जो जनता है उसके जीवन को दुश्वार कर दिया है, यहाँ की ज़िंदगी को जीना बहुत ही मुश्किल है। आप खुद देख सकते हैं कि अभी थोड़ी सी एक बारिश हुई है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और ये इंटर कॉलेज भी है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने भी आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर क्लास लगती होंगी और यहाँ पे जब डेंगू और मलेरिया जैसे भयानक
बीमारी जब यहाँ फैलती होगी तो बच्चों का क्या हाल होता होगा। तो यहाँ पे हमारे ये सभी साथी खड़े हुए हैं और हाँ चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप, यहाँ पे पानी का जल भराव है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें हमेशा ही पानी रहता है, ये पानी बारिश हो या ना हो हमेशा ही पानी रहता है नालियों का। ये कौन सा क्षेत्र है सर? ब्रज कॉलोनी मैनपुरी। यहाँ पर कूड़ा की भी समस्या है, कूड़ा पूरे मोहल्ले का आके ही डालते आगे, ये कूड़ा दान होता है, कोई सुनवाई नहीं करती, नगर पालिका तो सुनता ही नहीं। अच्छा, दादा आपको बुढ़ापा पेंशन मिल रही है? मिलेगी, पहले जब काम किया तो मिलेगी। अच्छा अच्छा, सरकारी गवर्नमेंट है आप? अच्छा अच्छा, दादा आप भी गवर्नमेंट में? नहीं, नहीं। तो आपको जो है बुढ़ापा पेंशन मिल रही है योगी आदित्यनाथ सरकार में? बंद कर दिए। तो देख रहे हैं किस तरह से बुढ़ापा पेंशन भी जो है बंद कर दी गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं। यहाँ पे कुछ युवा खड़े हुए हैं, इन्हें भी बहुत डर लग रहा है कि अब डेंगू की सीज़न आने वाली है, उसकी चपेट में कौन कौन आएगा, कितनों लोगों को नुकसान होने वाला है। जल भराव के बारे में क्या जानते हो बेटा, क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहोगे? ये बच्चा डर रहा है। निकलने में परेशानी होती है। कौन से स्कूल में हो बेटा? कौटिल्य स्कूल। ये सरकारी है या प्राइवेट है? तो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बच्चे किस तरह से प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा पा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों की हालत बहुत खराब कर रखी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। जर्जर और दयनीय है। ये देखो रोजगार की समस्या की वजह से छोटे छोटे बच्चों को देखिए, देखिए छोटे छोटे बच्चों को, अंधी बहरी सरकार के कान में आवाज जानी चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे आज शिक्षा कूड़ा कचरा मिलने को मजबूर है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को सरकार ने मजबूर कर दिया है। गैस सिलेंडर 1100 रुपए का कर दिया है अंधी बहरी सरकार ने, इसे उखाड़ फेंकेंगे हम सब लोग मिलके। ये छोटे छोटे बच्चे अपना पेट पालने के लिए शिक्षा को छोड़कर कबाड़ा बीनने पर मजबूर हैं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं, सरकार छोड़ दीजिए आप। आप देख रहे हैं ये तैरता हुआ विकास, आम आदमी पार्टी इसका मुद्दा उठा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में। जिन्हें शिक्षा की जरूरत है वो आज पेट पालने के लिए कचरा बीनते नजर आ रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो आज जिनके हाथ में कॉपी पेंसिल कलम होनी चाहिए, ठीक है, ये देश का आज हमारा भविष्य है। जो गंद चूल्हा जलवाएंगे तब इनका पेट पाला जाएगा। ये गूंगी बहरी सरकार को शर्म आनी चाहिए। अगर उनको नहीं चलानी है सही से, जनता की देखरेख नहीं करनी है, तो इस्तीफा दे दें वो अपने पद से। जितने भी प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के अपने बच्चों को यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए भेजें। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ, सभी सांसद और विधायकों से कहना चाहता हूँ, खुद अपने बेटों को भेजें, अपने रिश्तेदारों को भेजें और एक दिन तकलीफ में रहकर देखें किस तरह से उत्तर प्रदेश के युवा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, किस तरह से यहाँ पर जीवन यापन होगा आप देख सकते हैं। ये अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल, इसको आप अमृतकाल का नाम देंगे? जो आज घर घर तिरंगा, तो घर घर तिरंगा क्या, तिरंगा तो हमारे देश हमारे दिल में है, देश की आन बान शान है। चाहिए तो रोजगार चाहिए, खाना चाहिए जनता को। जो आज छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में कलम और कॉपी होना चाहिए, आज वो गंदी नालियों में से कचरे की बोतलें उठाकर उन्हें बेचकर अपने दिनचर्या का पालन करना चाहते हैं। किस तरह से आज गरीब जनता जूझ रही है महंगाई से, देखिए आप किस तरह से जूझ रही है। आप ये कह रहे हैं कि तिरंगा घर घर तिरंगा, ये तिरंगा कैसे होगा जब घर ही ठीक नहीं है, नालियाँ ठीक नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, कहाँ से निकल कर जाएंगे बच्चे, कहाँ से निकल कर जाएंगी जनता। शर्म आनी चाहिए भाजपा सरकार को, शर्म आनी चाहिए। झूठे वादे करना बंद कर दीजिए अब। तो आप देख रहे हैं ब्रज कॉलोनी का हाल, ये है योगी आदित्यनाथ जी का सुशासन और वो भी नगरीय क्षेत्र की दशा। सबका साथ सबका विकास,
अभी आप देखेंगे बारिश बंद होने के बाद किस तरह से यहाँ के जो निवासी हैं, जो साथी हैं, वो पानी में दिखाओ बहुत करीब से।